रखो भरोसा अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी किस्मत पर। सपनों की तैयारी पूरी रखो, फिर सफलता का स्वाद चखो। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, और आपके शहर में सर्दी कैसी है बताना ज़रूर। एंड दिल्ली में थोड़ी सी सर्दी बढ़ गई है, तो अभी 2 दिन से तो धूप निकल रही थी, फिर से आज से सर्दी बढ़ गई है। और आज डेट है 2 तारीख, तो न्यू ईयर के दिन हमने खीर पूड़ी नहीं बनाई थी, तो फिर आज हम खीर पूड़ी बना रहे हैं। तो मैंने इधर खीर चढ़ा दी है और इसमें डाल दिया, अभी मैंने केसर चावल मैंने डाल दिया है, एक बॉईल आ गया तो उसके बाद मैंने चावल डाला है, फिर डाला है मैंने केसर, फिर डाल दिया है मैंने यहाँ पे और इलायची, और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर थोड़ी देर बाद डाल रही हूँ मैं चीनी, और बस पकने के लिए छोड़ दिया धीमी आंच पे, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी थी खीर। आप लोग भी इसी तरीके से बना के देखना। और उसके बाद साइड में बना रही पूरी, तो पूरी को आटा मैंने पहले गूंद के रख लिया था, आटे में डाला था मैंने अजवाइन और नमक, उसके बाद बेल के रख लिया, और यहाँ पे पूरी रेडी हो चुकी है। उसके बाद बना रही हूँ मैं चने की सब्ज़ी, काले वाले चने की। यहाँ पे डाल दी है हींग, अजवाइन, हींग, जीरा और प्याज, उसके बाद डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर डाला है इसके अंदर सारे बेसिक मसाले। तो बेसिक मसाले में मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक, धनिया, हल्दी और मिर्च, और थोड़ा सा गरम मसाला। इसको अच्छे से कर देंगे हम मिक्स। उसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें काले चने वाले, जो छोले वाले मसाले होते हैं ना, वो डाल दिया है मैंने इसके अंदर, और अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा 2 मिनट तक पकने देंगे, उसके बाद डाल दिया मैंने टमाटर, इसको भी अच्छे से पकने देंगे जब तक तेल ना छोड़ दे। और साइड में मैं डाल रही हूँ खीर में ड्राई फ्रूट्स कट करके, और रियली गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और हमने रात में भी यही खाया था सेम, और मेरी नंद भी आई थी तो फिर उन्होंने भी यही खाया था। तो गाइस मैं जा रही हूं ब्रेकफास्ट करने, देख सकते हो पूरी, खीर और चाय। तो अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो मैं अभी आपको चाय नाश्ता करने के बाद फिर मिलती हूँ, और काफ़ी सारे काम करने हैं। तो कल मैं मायके चली गई थी तो काम सारा रह गया है, काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ है। तो मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। यश बोलो, बचाने को बोलो। तारक मेहता देख रहे हो? भूत है उसमें। निशु तुम किसकी बाबू हो? भैया की बाबू हो? हाँ भैया की बाबू हो। रियांश, 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 छोटी बहन किसकी बाबू है? बाबू है। तुम्हारी बाबू है? मेरी बाबू नहीं है। बाबू है या मेरी बाबू है? तुम्हारी बाबू है। अच्छा, बहुत परेशान करते हो तुम मीशू को। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। मम्मा का चैनल, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ढेर सारा प्यार दो। बाय बाय। आज आजा, आओ आओ मीशू, आओ जल्दी आओ, आओ अच्छा, हाँ नहीं आना, आ जाओ, चलो आओ जल्दी आओ, आओ अच्छा मेरे बेटा। अच्छा रियान भी अवेलेबल, कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हो तुम, क्या खा रहे हो, क्या खा, पूरी खा रहे हो, खाओ मीजू। तो गाइस इवनिंग हो चुकी है, इवनिंग की चाय बना रही हूँ मैं, और आज आने वाली थी मेरी नंद, इसलिए आज मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा साफ सफाई भी करनी थी। मैं शूट करती बट फिर नहीं कर पाई क्योंकि मीशू जग जाती। क्या कर रहे हो? ये क्या हेलमेट पहन रहे हो? पहनो, पहनो। नहीं,
कहाँ जा रहे हो? गाड़ी लेने? ठीक है जाओ। अच्छा दो गाड़ी? अच्छा ठीक है। ओ गिर गए ना, लगी चोट? मिशु क्या कर रहे हो? ओ मिशु ले लूं? आ जाओ, चलो आओ, आ जाओ। हाँ आटो मम्मा बोलने लेने को। हाँ आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ मिशु, आ जाओ मेरा बेटा। आओ 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 आओ। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, चलो आओ मिशु, आओ बिट्टू, आ जाओ आ जाओ। हाँ क्या बोलो? पापा कहाँ? बोलो। ये नाइट हो गया था करीबन 9:30 बज रहे होंगे, तो हस्बैंड का कॉल आया था कि हम आ रहे हैं। तो हस्बैंड आ रहे थे नंद को लेकर, और नंद पहली बार आ रही थी मेरे घर। तो फिर बस यहाँ पे बर्तन अभी वॉश कर रहे थे, तो मैं इसको फटाफट से लगा दूँगी। और नंद के लिए खाना वही मॉर्निंग वाला ही है, तो वही खा लेंगी। और बस मैं अभी चाय बना दूँगी उनके लिए। तो बिशु उठ गई थी बर्तन लगाने की आवाज़ से, तो उसको उठा लिया है। और बाल देखिए अभी तक नहीं बन पाया, मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं बाल बना पाऊँ। तो यही होता है जब घर में छोटा बच्चा होता है तो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। और बस यहाँ पर बर्तन वर्तन लगा दिए, साइड में चाय भी उबल रही है। उसके बाद रियांश भी आ गया था थोड़ी देर में। तो बस यहाँ पर चाय वाय बन के, और मैंने कोई व्लॉग व्लॉग शूट नहीं कराया नंदन का, तो यहाँ पर बर्तन लगा दिया। और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और बस तो यहाँ पे रियांश भी आ चुका है। बाय बाय।